मुरैना में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पूर्व विधायक गजराज सिंह के साथ एसपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पुलिस पर निर्दोष लोगों को हत्या के केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर निर्दोष लोगों को इस तरह से फंसाया जाएगा तो चंबल में फिर से डकैत नजर आने लगेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को बागचीनी थाना क्षेत्र के रणछोड़पुरा गाँव में युवक विजय सिकरवार की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस दौरान फरियादी पक्ष की शिकायत को लेकर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया था, जिसे लेकर आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और प्रभारी पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया को ज्ञापन सौंप कर मांग की कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। वहीं पूर्व विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने आरोपी बनाए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में अशांति फैल रही है। यह क्षेत्र पहले डकैतों का क्षेत्र हुआ करता था, उस वक्त भी यही कारण था। अब अगर इसी तरह से पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाती रही तो एक बार फिर वही स्थिति ना बन जाए, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो निर्दोष लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। अश्लीलता को लेकर आपस में विवाद हो गई तो उन्होंने मोबाइल करके उसको बुलाया और गोली मार दी। लेकिन इस घटना में 24 घंटे तक हत्या जैसे प्रकरण में FIR नहीं हो सकी। इसका कारण संदेह को जन्म देता कि नहीं देता कि हत्या 21 तारीख को 8:30 बजे हो गई और 22 तारीख को रात को 8:30 बजे 24 घंटे बाद FIR हुई। क्यों कि उसमें यही जिद होती रही कि 18 आदमी को लिखो, पुलिस ना करती रही तो 15 को लिखो, पुलिस ना करती रही तो 11 को लिखो और अंत में होते होते इस बात तक अड़ गए कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक हमारी यह पानी। तो 8-7 झूठे लोगों को, दूसरे गांव के लोगों को नामजद कर दिया। इसको लेके आज पूरे क्षेत्र के जो किसान हैं जन सुनवाई में ये आवेदन देंगे। पुलिस अधीक्षक जो वर्तमान हमारे प्रभारी पुलिस अधीक्षक हैं उनको ये आवेदन देने आए हैं कि निष्पक्ष जांच करो, अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो अशांति क्षेत्र में अशांति फैलेगी और इसका फिर दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।